इंडिया ने अब तक एशिया कप के इनेकात को मुश्किल में डाल रखा है और भारतीय हरधर्मी का ये आलम है, जरा ये सुने कि भारत चाहता है कि एशिया कप का एक मैच भी पाकिस्तान में ना, और नहीं तो क्या, और एशिया कप से पाकिस्तान टोटली बाहर होने वाला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंडिया तो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल ठुकरा दिया है। हलवा पकाओ। तो ये क्या हो रहा है सुहेब साहब, ये इदारा तो फिर मजाक ही बना हुआ है कि बस ये पैसे कमाए जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मेरे ख्याल में ये जो सिलसिला चल रहा है एशिया कप का, इसमें भी उनकी हरकत नामुनासिब हमें जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि उन्हीं की वजह से यही सब कुछ हो रहा है। अगर वो इस किस्म की हरकतें ना करते तो ये आज जो हम ये सब तमाशा देख रहे हैं इंडिया की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, तो ये तमाशा में देख लेना पड़ता। अजीब सीधी सीधी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अच्छी खबर नहीं है जी। श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने जो है पाकिस्तान को एक तरफ करके रख दिया। वहां तो छोड़ो, बिल्कुल बाहर होने वाला है। वाह जी वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। और वहां बाजवा बोल रहे हैं मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये जो गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट है, पहले भी कहते रहे हैं बहुत, आप मोदी से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। और ये जय शाह साहब जो है, ये सिर्फ मोदी को खुश करने के लिए इस तरह के हरकतें करता है वो बंदा। क्यों वे पाकिस्तानी हो? सूजी है क्या? सूजी नहीं। अभी पाकिस्तानियों की बहुत तगड़ी सूझ हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो चाल चली थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि नजम सेठी ने, मगर बदकिस्मती देखिए वो दाव उल्टा पड़ गया। बात होगी अपने पड़ोसी मुल्क की, जिसने तमाम हदें मुखालिफत की पार कर दी है। क्या बेटा? टूर्नामेंट पाकिस्तान से मुंतकिल करके श्रीलंका शिफ्ट करने का प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान से मेजबानी हथियाने के लिए दीगर बोर्ड्स को बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही है। समझ में आया, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अब इन भूखे नंगे कंगलों को ये समझना चाहिए हम टक्कर किससे ले रहे हैं, बीसीसीआई से, भारत से। और जुल्म अब भी जारी है। बीसीसीआई का क्रिकेट की दुनिया में डंका बजता, डंका, वो भी एक तरफा, भूखे नंगो। पाकिस्तान कंगाल बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी की जीत ने पाकिस्तान को ऐसे मुहाने पे ले जाके छोड़ दिया, ये समझ लीजिए कि आप धोबी का कुत्ता होता ना, ना घर का ना घाट का। इस कंडीशन में आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहुंच गया। आज जितनी बदतरीन हालत इस कौम की है, लगता है खुदा नाराज है शायद। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। आपको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, एशिया कप की मेजबानी मिली थी पाकिस्तान को, भारत ने कह दिया कि हम सुरक्षा कारणों की वजह से पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेंगे, जो कि एक जेन्युइन रीजन भी है, क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन धमाके हो रहे होते हैं, उनकी मस्जिदों में बम ब्लास्ट हो रहे होते हैं, उनके पुलिस वाले उड़ रहे होते हैं, उनके फौजी उड़ रहे होते हैं। जिस देश में पुलिस वाले और आर्मी वाले ही सुरक्षित नहीं हो, तो खिलाड़ियों की सुरक्षा की तो क्या ही गारंटी होगी। हलवा पकाओ। और जिसमें तो भारत इनका रियायती हरीफ है, कट्टर दुश्मन है। भारतीय प्लेयर वहां जाएंगे तो ये जितने भी आतंकवादी ग्रुप है पाकिस्तान में, लश्कर ए तैयबा, टीएल TTP, वो तो कच्चा चबा जाएंगे इंडिया की क्रिकेट टीम को। तो बीसीसीआई ने पाकिस्तान में अपनी क्रिकेट टीम भेजने से मना कर दिया। पर इंडिया को नहीं पसंद है, इंडिया ने मना कर दिया, चलो गुड, वी सपोर्ट आवर कंट्री। तो पाकिस्तानियों को लग गई मिर्ची, पाकिस्तानियों ने सारे क्रिकेट बोर्ड को अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन बीसीसीआई की जो पावर है, जो ताकत है, उसके आगे पीसीबी पस्त हो गया। हाइब्रिड मॉडल पहले को आपने मंजूर नहीं किया कि इंडिया के मैचेस हम बाहर करवा रहे थे, अब टूर्नामेंट पूरा पाकिस्तान बाहर लेके जाना चाहता है। और सारे क्रिकेट बोर्ड एक एक करके भारत की तरफ आ गए। ब्रॉडकास्टर्स की पाकिस्तान फैसिलिटीज देने को तैयार है, प्रोडक्शन की फैसिलिटीज पाकिस्तान देने को तैयार है, पाकिस्तान चार्टर प्लेन देने को तैयार है। जब टीमें दुबई जाएंगी या श्रीलंका जाती हैं, पाकिस्तान ने तो अब दुबई की भी जिद छोड़ दिया, श्रीलंका वाला ऑप्शन दे दिया है। लेकिन ये जो बीसीसीआई कोशिश कर रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के चार मैचेस नहीं होने देंगे, बीसीसीआई ने सुझाव दिया इस क्रिकेट को श्रीलंका में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन भैया ये पाकिस्तानी है, ढीठ है, ये मानने ही नहीं है, इन्होंने तो बना लिया अना का मसला और भिड़ गए भारत से कि नहीं होएगा तो इसी कंडीशन में मैच होगा, नहीं तो मैच ही नहीं होंगे। और पाकिस्तान ने सारे बोर्डों को मनाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सारे एशिया कप के जो क्रिकेट बोर्ड है, सब ने मना कर दिया, पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को कैंसिल कर दिया। अब पाकिस्तान रह गया बिल्कुल अकेला, यहाँ तक कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बीसीसीआई के साथ खड़ा हो गया। पाकिस्तान बोल रहा था कि अफगानिस्तान तो हमारे मुसलमान भाई है, वो हमारा ही साथ देंगे, तो पाकिस्तान वालों कैसा लगा मुसलमान भाइयों का प्यार? पाकिस्तान इन डिसमे आफ्टर 3 सबकॉन्टिनेंट क्रिकेट टीम्स टर्न डाउन फॉर्मर्स एशिया कप हाइब्रिड मॉडल। याद है जब भारत ने बोला था, जय शाह ने बोला था कि हम नहीं जाएंगे तुम्हारे यूएई में भी नहीं जाएंगे हाइब्रिड मॉडल खेलने के लिए, हम खेलेंगे नहीं एशिया कप, ठीक है, जब तक पाकिस्तान से इसको मूव आउट नहीं करोगे, याद है हमने कवर करा था। अब बाकी जो 3 क्रिकेट बोर्ड हैं उन्होंने बोल दिया, यानी कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने बोल दिया कि हाइब्रिड मॉडल तो हम मानते ही नहीं हैं। ये नजम सेठी साहब का एक खुजली थी, खाजू थी नजम सेठी साहब को, दिस वन, या तो उन्होंने बोला कि साहब ये तो मुझे खाजू रही है, हम यूएई में खेलेंगे, इंडिया ने बोला यूएई में बड़ी गर्मी हो रही है। अच्छा ये इंडियंस का ना ये एक्सक्यूज मुझे समझ में नहीं आया, कह रहे हैं यूएई में गर्मी हो रही है, एक महीने के बाद दिल्ली में 48 डिग्री होने वाला है यार, क्या गर्मी हो रही है यूएई में, दिल्ली में 48 होने वाला है। पर इंडिया को नहीं पसंद है, इंडिया ने मना कर दिया, चलो गुड,
वी सपोर्ट आर कंट्री। तो भाई साहब इसमें बोला है कि पाकिस्तान कहता है कि नहीं 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 हमारे पास होनी चाहिए और अगर नहीं करोगे तो हम फिर वर्ल्ड कप के लिए नहीं आएंगे। इंडिया ने बोला आप आओ तो यूर वेलकम, आप ना आओ तो यूर मोस्ट वेलकम, हमें आप में कोई दो रुपए का इंटरेस्ट नहीं है। ये भारत ने इनको बोल दिया है। अब पाकिस्तान के पास इज्जत बचाने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो चुपचाप आगे एशिया कप खेल ले श्रीलंका के अंदर, या फिर चुपचाप से अपने घर पे बैठा रहे। और ऐसा पहली बार नहीं होगा, अगर पाकिस्तान आया नहीं हो तो एशिया कप नहीं हुआ है। 1990 में भी पाकिस्तान नहीं आया था फिर भी एशिया कप हुआ था। 1990 में सियाचिन पे पाकिस्तान ने अटैक किया था और भारत की और पाकिस्तान की सियाचिन में जंग चल रही थी, तो पाकिस्तानियों को लगा डर कि हमें ना उड़ा दे, तो ये इन्होंने अपनी टीम ही नहीं भेजी। तब भी एशिया कप बिना पाकिस्तानियों के हुआ था। पीसीबी के गले में फंस गई है फांस, यहाँ तक कि नजम सेठी की जो चेयरमैन की कुर्सी है वो भी जाने वाली है, क्योंकि नजम सेठी के जिद और अहंकार ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहीं का नहीं छोड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की कुर्सी क्या तब्दील होने वाली है, ये बहुत बड़ी डिबेट चल रही है पाकिस्तान में। लेकिन क्या कुर्सी बचाने के लिए नजम सेठी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, बजहर ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ऊपर से इन्होंने तड़िया भी लगाई, धमकियां भी लगाई बीसीसीआई को कि अगर आप अगर हमारे यहाँ नहीं आते या हमारा हाइब्रिड मॉडल भी नहीं अपनाते तो हम आपके वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। अबे बताओ भूखे नंगो, तुम्हारे बिना क्या वर्ल्ड कप नहीं होगा? हम तो चाहते हैं कि तुमको आइसोलेशन में पटक दे, पूरी दुनिया के अंदर पूरे खित्ते के अंदर तुम अकेले अलग थलग पड़ जाओ, कोई तुम्हें पूछे भी ना। हम तो चाहते ही हैं, हमारे देश की पॉलिसी यही है, क्योंकि जिस जिहाद की आतंकवादियों की फैक्ट्री तुम चलाते हो ना, तुम डिजर्व भी यही करते हो। इंशाल्लाह। तो लेटेस्ट अपडेट यह है कि एशिया कप की 6 टीमों में से 5 टीमें एशिया कप खेलने को राजी है, वो भी श्रीलंका में। पाकिस्तान अभी तक तो यही कहता है कि अगर भारत पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद करता है, जो मेरी इतलात है कि उन्होंने इन प्रिंसिपल अब तय कर लिया कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल जो है वो काबिले कबूल नहीं है। पाकिस्तान का अगर मॉडल काबिल कबूल नहीं है, जब उन्होंने ये सारा तय कर लिया तो हमने अपनी क्या बनवाई? उन्होंने ये तय कर लिया कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल नहीं है, वो पूरा एशिया कप श्रीलंका में कराना चाहते हैं, तो फिर क्या हम उस एशिया कप का हिस्सा होंगे? नहीं होंगे। फिर वो साथ में ये भी चाहते हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आए, तो हमारी तो कुछ भी ना मानी गई। हम बैठे बस सुन रहे थे, हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। है तो सही, लेकिन कोई भी नहीं मान रहा। हां मानी नहीं जा रही, लेकिन अभी तक तो भारत जो है वो डोमिनेट कर रहा है। बल्कि हम अगर नहीं खेलते, एशिया कप नहीं हो रहा हमारा हाइब्रिड मॉडल के तहत, तो हम क्या अपना कोई अलग टूर्नामेंट कराने की पोजीशन में होंगे, या फिर हम श्रीलंका वाले एशिया कप का पार्ट होंगे? अगर पाकिस्तान एशिया कप में नहीं जाता तो मुझे नहीं लगता है कि इस साल एशिया कप होगा। इस साल अगर एशिया कप नहीं होता है तो 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी फिर पाकिस्तान में मुश्किल नजर आ रही है, भारत वहां भी नहीं आएगा। और इंडियन मीडिया तो अब खुलम खुला भारतीय क्रिकेट बोर्ड उनको ये फीड कर रहा है कि जीरो चांस है कि इस साल एशिया कप पाकिस्तान में हो और 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान को मेजबानी मिले। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि हमारे भारत के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं, लेकिन आजकल जब मैं इनको देखता हूँ ना ऐसे तड़पते हुए, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। ये आनंद अगर आपको भी आता हो तो भाई साहब पहल के जाइए पाकिस्तानियों को, बड़ा पुण्य प्राप्त होता है इससे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।